हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल तिवारी है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट अमृतधारा हॉस्पिटल से, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैंसर प्रोस्टेट के बारे में। तो कैंसर प्रोस्टेट जनरली मेल्स मोर देन 60 इयर्स में होता है, और इट इज़ अ सिम्टोमैटिक बट अ स्लो ग्रोइंग कैंसर। कंपेयर टू अदर कैंसर, ये थोड़ा स्लो ग्रो करता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेशाब में रुकावट आना, बार बार पेशाब जाने की शंका होना, पेशाब में खून आना और पेशाब बंद हो जाना, या कमर में दर्द होना, या फिर किडनी फेल हो जाना। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट कैंसर के। इन्हें हम कैसे फिर डायग्नोस करते हैं? एक क्लिनिशियन एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेगा, प्रोस्टेट चेक करेगा, उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें से एक सीरम PSA है, CT स्कैन, और ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद एक टुकड़ा लिया जाता है जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं, प्रोस्टेट बायोप्सी, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम डिसाइड करते हैं क्या ग्रेड है पेशेंट का और क्या स्टेज है। बेस्ड ऑन दैट इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट होता है, यानी वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का जो ग्रेड है या स्टेज है, जिसमें से हार्मोनल थेरेपी है जिसमें हम कैस्ट्रेशन करते हैं या टेस्टिस निकाल देना, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, या रेडिकल सर्जरी है जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी बोलते हैं। और ये सब हम डिसाइड तब करते हैं जब पेशेंट का ग्रेड, स्टेज, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज, ये सब हमें पता हो। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।